आपका सागर यंत्र है और दक्षिणावर्ती संघ वो सामने रख दीजिए। किसी का चित्र हो तो अच्छी बात है और नहीं हो तो मानसिक रूप से बिंबात्मक रूप से आपने कैसे बंद कर दिया। सोनावती मंत्र, सोनावती मंत्र तो इसमें लिखा हुआ है ओम रीम रक्त वर्णी आगच्छ कनकावती स्वाहा। चाहे उसको कनकावती कहें या सोनावती कहें वो एक ही प्रयोग है, एक ही मंत्र है। गंदा मंत्र है आपका और आपको सिर्फ 11-11 मालाएं जपनी है। एक तो सोनावती मंत्र की जपनी है और ये गति प्रिया मंत्र आगे मैंने दिया है। दुख दारिद्र मंत्राय रूप यौवन प्रदाय गति प्रियाय स्वाहा। 11 मालाएं आपको गति प्रिया मंत्र की जपनी है और 11 मालाएं आपको सोनावती मंत्र की जपनी है। सोनावती ध्यान धंधा यंत्र और ये सब जो कार्य है मैं आपको रात्रि को संपन्न कराऊंगा। ये जो आपको बिल पत्र पर या भोज पत्र पर जो सोनावती यंत्र अंकन कराना है ये रात्रि को अंकन होगा, होली की रात को अंकन होता है, आज की रात को अंकन होगा, सुबह इसका पूजन होगा, सुबह इसका प्रयोग होगा। तो यंत्र तो रात को अंकन होगा, मंत्र जाप आदिन को हो जाएगा दोनों का 11-11 माला मंत्र का। आप और कुछ पूछना हो तो आप तिथि 25/3/86 गुरु जी का रात्रि प्रवचन शुरू हो रहा है। यस्यास्ति वित्तम्, जिसके पास द्रव्य है वित्त है। यस्यास्ति वित्तम् स नरः कुलीनः, वह बहुत ही समझदार है। स पंडितः, स गुणवान, स गुणज्ञ, स एव वक्ता और सच दर्शनीय, और उसके लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए सर्वे गुणा कांचन माफ हुए, जो भी गुण है वह मनुष्य में नहीं है, कैसे नहीं आज के युग में उसके द्रव्य से संबंधित है। समझेगी भाई। और आज में आपको कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण मंत्र और विधियां समझाऊंगा जो कि आपके जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। सुबह आप में से कुछ साधकों ने विचार रखा था कि हमें श्मशान साधना संपन्न करवाई जाए। मेरी राय में आप सभी लोग श्मशान साधना के योग्य हैं। क्योंकि यह मुंह जो है ये जिसको जिम्मेवारी होती है वो इस बात की चिंता तो रखता ही है कि कहीं किसी को तकलीफ नहीं हो जाए, कहीं किसी को अड़चन नहीं हो जाए। श्मशान साधना जीवों की दुर्लंगी साधना है। दुर्लंगी साधना का तात्पर्य यह है कि युग के परिवर्तन के साथ मंत्र में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यदि युग के साथ मंत्र नहीं बदले
युग के साथ मनुष्य नहीं बदले, युग के साथ चिंतन नहीं बदले, तो वह सब बासी और पुराना हो जाता है। ये साधक साधना जो शिविर है, यह कई दृष्टियों से आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण ऋषि साधना और कर्म प्रशासनिक साधना को संपन्न करने की ओर अग्रसर हुए हैं। लौकिक दृष्टि से आज होली है और आज रात्रि को होली का दहन करेंगे। शास्त्रोक्त दृष्टि से, तांत्रोक्त दृष्टि से आज होली नहीं है, तांत्रोक्त दृष्टि से कल रात्रि को होली है। तांत्रोक्त और शास्त्रोक्त में अंतर यह है कि शास्त्रों में होली का दहन उस क्षण को माना है जब पूर्णमासी का प्रदेश से सुलोचना पद्धति से संपन्न हो। अमावस्या और पूर्णमासी 3 रूपों में चतुर्दशी से संबंध स्थापित करती है और प्रतिपदा से संबंध स्थापित करती है। वह 1 नए महीने का प्रारंभ प्रतिपदा और उस महीने का अंतिम चतुर्दशी, इन दोनों का एक समन्वय रूप है। उन दोनों के समन्वय रूप में भी उसका बिल्कुल मध्य बिंदु पर ही होली का दहन होना चाहिए। जब वो चतुर्दशी समाप्त हो रही हो और प्रतिपदा का प्रारंभ होने लगा हो, आखिर कोई को ऐसी स्टेज मनुष्य में आती ही होगी। ऐसे क्षण को तांत्रिक लोग और जो तंत्र साधना में निपुण होना चाहते हैं, जो शास्त्रीय साधना में निपुण होना चाहते हैं, जो कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं, जो कुछ चमत्कार दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोग उस क्षण का इंतजार करते हैं जो क्षण सुलोचना पद्धति से सही और प्रामाणिक हो। इस दृष्टि से कल का दिन और कल की रात्रि आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। पंचांग में अगर आप देखें तो पंचांग में तो मेरे सारे पंचांग में कुछ और है, बनारस के पंचांग में कुछ और है, दिल्ली से प्रकाशित पंचांग में कुछ और है, विश्वविद्यालय पंचांग में कुछ और है, क्योंकि उनकी जो गणित है वह गणित पूर्वापेक्षा है। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, साधन नहीं है। उन पंचांगों में तो जब वो लिखते हैं कि आज बृहस्पति इतनी राशि के अंक पर गतिशील है, और यदि आपके पास बहुत बड़ी दूरबीन हो, वेधशाला हो, और वेधशाला से यदि आप उस पॉइंट पर दूरबीन लगा करके देखें तो बृहस्पति आपको दिखाई दे रही है। आपके पंचांग का तात्पर्य तो केवल इतना है कि पूरे ब्रह्मांड को कागज के टुकड़े पर आपको नक्शा बना करके दिया है कि इस नक्शे में इस समय इस जगह बृहस्पति, इस जगह शुक्र, इस जगह मंगल। यह पंचांग अपने आप में कोई अजूबा नहीं है, मगर यदि दूरबीन से उससे कंफर्म करना चाहिए तो पंचांग से वह एक रास्ता एक रूपता नहीं बन पाती, और नहीं बन पाने का कारण यह है कि उनके पास ऐसी वेधशाला है, ऐसी गणित कक्ष है, और इस प्रकार की स्थितियां है नहीं जिससे कि वह उसको कंफर्म कर सके। उनके तो कई पीढ़ियों से जो गणित चली आ रही है उसी गणित को जोड़ते जोड़ते वे आगे बढ़ते जाते हैं, और कई बार तो 5, 6, 7 डिग्री का अंतर आ जाता है। इसलिए पंचांगों में अवश्य आज पूर्णमासी और होलिका दहन का पर्व लिखा है, कुछ पंचांगों में कल का होलिका दहन पर्व लिखा है, पर सही अर्थों में होली दहन का कल रात्रि को है, और वह भी 3 क्षण है उसके। तो तीनों क्षण आपको लिखा देता हूं जो कि महत्वपूर्ण है इस वर्ष के। एक है 9:35 से लगा करके 9:30 तक 3 मिनट का क्षण, दूसरा है रात्रि को 12:09 से 12:17 और तीसरा है रात्रि को 3:11 से 3:19 तक। शास्त्रों में भी और हमारे ज्योतिष में भी, तंत्र में भी और मंत्र में भी क्षण का विशेष महत्व है। यदि सही समय पर सही प्रकार से कार्य संपन्न हो तो अवश्य ही उसका लाभ मिलता ही है।
और इस साधना में मैंने इस साधना शिविर में मैंने तीन महत्वपूर्ण शिविर के चिंतन रखे थे, जिसमें एक कर्ण पिशाचनी साधना थी, दूसरी ऋषि साधना थी और तीसरी सोनावती साधना या कनकप्रिया साधना या कनकावती साधना थी। कनकावती साधना का भी तात्पर्य उन युक्तियों से, उन तरीकों से, उन मंत्रों से जिससे कि आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो सके, आजीविका से संबंधित लाभ मिल सके। और आजीविका से संबंधित लाभ मिलने में तीन बिंदु हमारे सामने मुख्य हैं। तीन तरीकों से धन प्राप्त हो सकता है। पहला, देव प्रसाद, देवताओं के द्वारा। देवताओं से मेरा मतलब है कि यदि आपने किसी भूत को सिद्ध कर रखा हो, किसी तीर्थ को सिद्ध कर रखा हो, किसी महाकाली को सिद्ध कर रखा हो, लक्ष्मी को सिद्ध कर रखा हो, इस प्रकार की किसी देवी देवताओं की युक्तियों से उनके द्वारा प्रदत्त, जैसे तारा साधना के द्वारा। दूसरा, आकस्मिक धन, लॉटरी से, जुआ से, जुआ खेल करके, सट्टा खेल करके, घुड़दौड़ खेल करके, ऐसी कोई भी युक्ति जिसके माध्यम से अनएक्सपेक्टेड हमें जहां उम्मीद नहीं है वहां से धन प्राप्त हो जाए, भूमि से धन प्राप्त हो जाए, लॉटरी से धन प्राप्त हो जाए, कोई आपको दे दे, कोई आपके नाम निश्चित करके मर जाए, ऐसा कुछ भी युक्तियों से। और तीसरा, स्व प्रयत्न, अपने प्रयत्नों से आप व्यापार प्रारंभ करें, उसमें अतुलनीय धन लाभ प्राप्त होने लग जाए, छोटा बिजनेस हो और उसमें प्रॉफिट जाना होने लग जाए, तो तीनों तरीकों से ही धन प्राप्त हो सकता है, चौथा कोई तरीका है ही नहीं। और मैं उन तीनों तरीकों से संबंधित एक एक मंत्र और विधि आपको लिखवा रहा हूं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यह गोपनीय और महत्वपूर्ण विधि मैंने प्राप्त की थी श्री टैगोरी से। वास्तव में मैं इन तीनों विधियों के लिए उसका ऋणी हूं, यद्यपि समय के आगे शुरू में मैंने बहुत कुछ सीखा, मगर किस समय आया तो मुझे उनको भी सिखाना पड़ा, इस समय का था। मगर फिर भी ये तीनों विधियां अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं तीनों विधियां आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, आप नोट कर दें, जो कि आपके लिए, आप इसको कभी भी प्रत्यक्ष करके देखें। पहली है भूत साधना। अब उसमें भी तारा साधना है, देव साधना में, देवी साधना में तारा साधना है और लक्ष्मी साधना है। स्त्रियोचित साधनाओं में तो दो ही साधना है जिनसे जल्दी और शीघ्र धन प्राप्त हो सकता है, तो तारा साधना है और दूसरी महालक्ष्मी साधना है। और देवताओं में कुबेर साधना है जिसके माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है, और लक्ष्मी में कनकप्रिया साधना है जिसके माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। एक तो ये देव प्रसाद साधना में चार तरह की साधना हुई, पुरुष साधना कमी है तो साधना है, स्त्री साधना कमी है तो महालक्ष्मी और तारा साधना है, और यक्ष साधना कमी है तो कनकप्रिया साधना है, धमदा साधना है। और उत्तरी योनि साधनाओं में भूत साधना है, ये सारी देव प्रसाद साधना है, उनको देव कहते हैं। जो मनुष्यों से इतर प्राणी के लोग हैं वे सब देव हैं। यद्यपि तारा साधना आपने की होगी, महालक्ष्मी साधना भी की है और कुबेर साधना में भी आपने भाग लिया है, इन तीनों साधनाओं का समन्वित स्वरूप भी है। तंत्रोक्त प्रकार है, जहां तारा और लक्ष्मी के संबंधित मंत्र का संयोजन करके और कुबेर साधना का उसमें संपुट दिया जाता है, ऐसी साधना को त्रिगुणात्मक साधना कहा जाता है, शीघ्र सिद्धि प्रद साधना कहा जाता है। इस साधना को मैं नवरात्रि से संबंधित साधना है, क्योंकि तारा साधना है और नवरात्रि में इस साधना को संपन्न करवाएंगे। इसमें आपके लिए यक्ष साधना में कंकावती साधना है, जिसका मैं
केवल साइबर प्रयोग बता रहा हूँ, उसके कई प्रयोग हैं, मगर मैं आपको वे प्रयोग बता रहा हूँ जिसको आप कुछ ही दिनों में उसको आप अनुभवगम्य कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसलिए मैं उनमें से दो साधने आपको बता रहा हूँ, निंदा साधना या जिसको कविता के साधने को एक ही बात है, और दूसरा भूत साधना, जिसका कि आप कल उसका उपयोग कर सके, इसलिए आज आपको लिखवा रहा हूं। निंदा साधना में यह होली के दिन की साधना है और तीन दिन की साधना है सिर्फ, जो होली के दिन से प्रारंभ होती है, कल से प्रारंभ होती है, यह समझ लीजिए। इसमें छाया पुरुष के क्षण से प्रारंभ करें। छाया पुरुष क्षण कहलाता है जब व्यक्ति खुद खड़ा हो और उसकी छाया उसमें ही समाप्त हो जाए, तब छाया क्षण कहलाता है। यदि आप किसी समय 10 बजे खड़े हो तो आपकी छाया 5 फीट लंबी छाया पड़ेगी, शाम को भी 4 बजे खड़े हो तो आपकी परछाई पड़ेगी, मगर एक समय दिन में ऐसा भी आता है जब आपकी परछाई होती नहीं। और कहते हैं कि देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों की या उच्च कोटि के जो देवता होते हैं उनकी छाया होती नहीं, मनुष्य जो पैदा हुआ है उसकी तो परछाई अवश्य होती ही है। और जिस क्षण आपकी परछाई आप पर लागू नहीं हो वह देव क्षण मनुष्य के लिए कहलाता है, और 24 घंटे में एक बार ऐसा क्षण जरूर आता है। और वह क्षण है कल 12:37 से 12:51 तक, जिस समय अभी आप धूप में खड़े भी हो तब आपकी छाया या परछाया आपको नहीं दिखाई देगी। यह साधना तो छाया पुरुष क्षण से प्रारंभ होनी चाहिए, और जो मैंने आपको रात्रि क्षण बताई है उस क्षण में समाप्त होनी चाहिए, चाहे वो तीन क्षण बताइए रात्रि को, उनमें से किसी एक क्षण में उसका विसर्जन होना चाहिए। इसमें या तो कनकावती को सिद्ध किया जाता है या भूत सिद्ध किया जाता है। मैं दोनों को मंत्र बता दू, मंत्र तो दोनों को बता देता हूं, मगर फिर मैं भूत साधने पर थोड़ा जोर ज्यादा दूंगा। कनकावती साधना भी सही अर्थों में शमशान साधना है, और भूत साधना भी सही अर्थों में शमशान साधना है। और शमशान साधना का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति पूर्णतः निवृत्तिमान बनकर के, किसी प्रकार का राग द्वेष उसमें नहीं हो, और ऐसा बनकर के जब साधना संपन्न की जाती है तब उसको शमशान साधना कहा जाता है। उस क्षण में व्यक्ति शमशान में जाकर के बैठे और मंत्र जाप प्रारंभ करे। इसमें अकीक माला से मंत्र जाप किया जाता है। यह मंत्र है, मैं कंकावती और निंदा योग का मंत्र बता रहा हूं। घोर घोर रूप महाघोर रूप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा खीलती आवे, संग में रहे त
बाहर है कि कर ले मेरो कहियो ये न करे तो मैनंद पीर की दुहाई तो मैनंद पीर की दुहाई यह साबर साधना का कनकावती का साबर प्रयोग बता रहा हूं। कनकावती का शास्त्रीय प्रयोग भी है, कनकावती का तांत्रिक प्रयोग भी है, मगर मैंने आपके सामने जो मंत्र दिया है वह धंधा या कनकावती या सोनावती का साबर प्रयोग है। और साबर प्रयोग को कैसे सिद्ध करते हैं वह मैं आपको बता देता हूं, जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें छाया क्षण से प्रारंभ करे, यानी कल 12 बज के 37 मिनट से प्रारंभ करे, और 5 माला मंत्र जाप करे, इस साधना में वीरासन में बैठा जाता है। वीरासन में बैठ करके ही साधना करनी चाहिए, इस तरह वीरासन में एक पांव खड़ा रहता है, नहीं ना भाई बाया पैर खड़ा रहे, दाहिने पैर घुटने झुका रहे, ऐसे उसमें बाया पैर टिकाकर की जमीन पर और दाहिने पैर से उस प्रकार से बैठ करते जैसे हनुमान जी बैठते हैं वीरासन, जमीन पैर ऊपर है, ये घुटनाएं और जो एड़ी है वह गुदा से स्पर्श करती रहे, उस प्रकार से बैठे। माला थी और 3 माला इसी प्रकार से मंत्र जाप करें, 5 माला इसी प्रकार से मंत्र जाप करें। क्या तुम कैसे बैठे हो ऐसे, क्या हुआ तो तुम्हारे देश रखे हो गए भैया, ये घुटने पे दर्द करने लगे हुए तो हमें तो बहुत चिंता है चीन की पाकिस्तान दोनों की। अब इस प्रयोग की कुछ महत्वपूर्ण गुत्थियां हैं वो समझा देता हूं, वह कैसे करनी चाहिए। इसमें शमशान में साधना होती है साबर प्रयोग में, और कल मैं आपको शमशान ये दर्शन कराऊंगा, करेंगे मगर इसमें दो बातें होती हैं, पहले शमशान जागरण होता है और उसके बाद में ये मंत्र जाप होता है, ये दोनों बातें पहले जाने थे 11:30 बजे ये होगा क्यों, इसमें कोई मुझे आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मजाक नहीं कर रहा हूं, और मुझे निश्चित रूप से आप शायद विश्वास नहीं करें कि मुझे बहुत याद है, आज से मनोज जी को भी ध्यान होगा, आज से 1.5-2 साल पहले मैंने जब शिविर प्रारंभ किए तब मैंने उन लोगों को देखा है, बहुत ही काय बुजदिल लोग थे, आप में से होंगे, काय बुजदिल का मतलब है कि उनको कुछ ज्ञान नहीं था साधना क्या होती है, और आज कॉन्फिडेंस है आप लोगों में, कॉन्फिडेंस था ही, धीरे धीरे कम से कम लोग तैयार होने लगे साधना के क्षेत्र में कि कुछ भी हो जाए हम कर देंगे, वो तो कहते हैं शमशान में आप शमशान छोड़ो अपने शमशान को अपने शमशान को क्या करना, आप सीधा साधा कोई मंत्र नहीं होता क्या, अगर सीधा साधा तो खाना भी नहीं खा सकते, मगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और आज उनको वो ये उनके मन में है कि बस क्या करें, तो वास्तव में यह विद्या जिंदा रह सकेगी इसमें कोई दूर आएगी, अब रह सकेगी, पहले मैं बराबर मन में पचोड़ता रहता था कि यह विद्या शायद जिंदा रह सके,
मैं कल मैं शमशान साधना आपको करवाऊंगा और शमशान की रात ही ले आऊंगा और लाकर के प्रयोग को संपन्न करूंगा, क्योंकि मुझे उपयोग करना पड़ेंगे। मगर यह प्रयोग ऐसा करूंगा कि आपको अनायास धन प्राप्त हो ही, ये गारंटी मैं सब उस लेवल पर लाऊंगा, ऐसा करूंगा। और यदि आपने दमखम हो गया तो मैं आपको शमशान में भी ले जाऊंगा, और दमखम है क्योंकि क्या होगा क्या शमशान में, शमशान में तो कुछ ऐसा चिंता वाली बात नहीं, यहां तो फिर भी चिंता है, यहां पर तो कुछ भी आग लग सकती है और लकड़े गिर सकते हैं, सर्किट हो सकता है, इलेक्ट्रिक से सर्किट हो सकती है और कोई चक्कू बांध सकता है, यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ है, वहीं बैठ कर वहां पर तो कोई है ही नहीं, खतरा ही नहीं है, संसार में क्या बिगड़ सकता है, जब बुरी आप साधन में कोई खतरा नहीं, संसार में और कोई बात। इस साधना को, इस साधना की मूल गुत्थे क्या है वह मैं समझा देता हूँ। उसमें आसन या तो संसार में मुर्दे के ऊपर बैठे, मरा हुआ मुर्दा हो और चाहे वो कोई भी जाति का हो, उसमें कोई बात नहीं है, वो पुरुष हो और उस पुरुष के सीने पर बैठे और सीने पर बैठ करके उस छाया क्षण में उसके सीने पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करे खुद का, और उसका मुंह मुर्दे का मुंह उत्तर की तरफ हो, तो हमारे सामने होगा मुंह उसका उत्तर की तरफ होगी, और उसके बाद में इस माला, इस मंत्र से, जो भी मंत्र बताया है, इस मंत्र से उसके लिए में आहुति दी जाती है घृत की और लौंग की, घृत लौंग दोनों मिला करके, और ऐसा होने पर निश्चय ही यह धंधा लक्ष्मी सिद्ध होती ही है। और केवल पांच माला मंत्र जाप की है, रात्रि को उसका हवन होता है होली के क्षण में, यदि कोई तांत्रिक प्रयोग है खासतौर से अघोर प्रयोग है, यह प्रयोग अघोर है और जिंदगी की सबसे अच्छी साधना में अघोर साधना है, अघोर साधना जितनी है मेरी मस्ती की है, परम भोग की साधना है, मौज मस्ती की साधना है, जीवन में उल्लास उमंग की साधना है। इसलिए होली के दिनों में आप जितने भी आपको देखेंगे गांवों में या शहरों में, तो आपको बिल्कुल वो रूप की तरह लोग दिखाई देंगे, राह पीले हरे आसमानी फटे हुए कपड़े पहने हुए, ये सारा एक परंपरा है हमारे जीवन की, यह साधना है। और यदि व्यक्ति चाहे तो शमशान से इतर स्थानों पर भी ये साधना संपन्न कर सकता है, यदि वहां मुर्दा नहीं मिले तो मुर्दा बना करके साधना संपन्न की जाती है। जब मैं पहली बार, मुझे याद आ रहा है इस साधना का, जब मैं पहली बार, और ये है जबलपुर के आसपास भेड़ाघाट से आगे की घटना है, मैंने जो 9 महीने बिताए थे वो वहीं बिताए थे, वहां से करीब 70 किलोमीटर दूर शमशान है, और वहां पर मुझे अगोरी और नाथ उसका नाम था, और बहुत ही दुर्दर्श व्यक्ति थे, बहलवान उनका शरीर, लंबा थोड़ा गठीला शरीर, कहीं थुलते शरीर नहीं था, और इतना ताकतवान उनका शरीर था कि बहुत तेजी से वे दौड़ के आते और पेड़ को टक्कर मारते पेड़ को नीचे गिरा देते, इतना उनके शरीर में बल था। और वो उनकी आदत खराब थी, वो चलते चलते शिष्य के ऊपर दौड़ लगाते थे, फिर 5-10 कदम 15 कदम गए और फिर क्या हाल है, अगर उसको बेचारे तो नीचे गिरता ही जा, तो आदत पड़ी हुई थी, तो मैं 20 कदम दूर नीचे चला चला के चलता हूँ, तो ये अभर नायक है शमशान सारे में मेरी होगी तब होगी, ये तो अभी मुझे तैयार कर देगा। तो उसने एक बार तो मुझे परिचय किसी ने करवाया था, तो उस समय थोड़ा दुबला पतला भी था शरीर मेरा, इतना शुरू का शरीर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या सीखेगा, सीख लेंगे, अब आप मुझे सिखाएंगे तो सीख लेंगे, उनका शमशान, उनका शमशान में नहीं चलेंगे, मुर्दा के ऊपर बैठेंगे, उनके मुर्दे के ऊपर बैठ जाएंगे, तो बैठ जाएगा, हम बैठ जाएंगे, तो फिर चलो चलो, मेरी सेवा में लंगोट दोगेगा, मेरी लंगोट देंगे आपकी, अच्छा मालिश वालिश करेगा, मैं सब कुछ करेंगे, आप चलो तो सुन मेरे साथ, तो चलो। और मेरे मन में उनके प्रति कोई आक्रोश नहीं था, मगर भय जरूर था, क्योंकि मैंने शुरू से उसमें था कि अगर तो उसके कलेजे का मांस तोड़ के खा जाते हैं, और अगर खा भी लेते हैं, उनका कोई पता होता नहीं,
मगर इतना दुराचारी भी नहीं होते, इतने गंदे होते नहीं है, जितने उनके बारे में अफवाहें फैली हुई है उतनी है नहीं। जब आप उसमें रहे तो कुछ आनंद के क्षण आए, तो वो मुझे उनका मेरी झोली उठा रहे, झोली उठा रही, बेड़ा घाट में स्नान वान किया, मंदा में फिर चले, तो फिर मूल दो में चले तक तक तो वो कुछ बोला नहीं। फिर उसने कहा कि तेज चलो, उनको चलो तेज चलते हैं, बहुत बहुत स्पीड में चलने लगा, स्पीड में चले। फिर मैंने दो ढाई किलोमीटर या तीन किलोमीटर गए होंगे, पीछे धड़ाम से दौड़ मारा, तो मैं तो नीचे गिर गए, सब होगी मुझे क्या मालूम था पीछे से महापुरुष दौड़ मारेंगे। तो कुछ नहीं कर सकता तुम, क्या कुछ नहीं कर सकता, तू तो मरा हुआ है, तुम कुछ कर ही नहीं सकता, ला तो जाऊ जी के दे। उनको ये तो कोई परीक्षा नहीं, मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा कि आपने जो कुछ मेरे को कृपावृष्टि की ये तो मेरा सौभाग्य है, मगर ऐसे कृपावृष्टि मैं भी आपको करवा, अचानक तो आप भी गिर जाएंगे, ये कृपावृष्टि क्या है, आप मुझे पहले करें फिर लगाए, फिर मैं गिर जाऊंगा तो कोई बात है। वो बिल्कुल मेरा गला पीछे से पकड़ करके उसने कहा चला जाए, क्या बात होगी, मगर मुझे मालूम पड़ गया कि आप मुझे सिखा नहीं सकते, इसमें तो कोई डर है नहीं, क्योंकि सिखाने के लिए दमखम चाहिए, ताकत चाहिए, आपने कुछ है भी नहीं, तो उनका नहीं तो मेरे साथ चल। फिर उन्होंने मेरे को जोश खाने के लिए वो वहां से उनका वो तांत्रिकों का एक जगह है वहां करीब 30-35 किलोमीटर की ऐसी जगह है जहां आम आदमी जाते नहीं, जंगल सा है, और मध्य प्रदेश के जंगल आदिवासियों के जंगल है ये सब आदिवासी, अगर आपको ओरिजिनल आदिवासी देखने हो तो ये सारा मध्य प्रदेश का जितना एरिया है बस्तर साइड का और मतलब बिल्कुल आदिवासी है। ये बात तो करीब 35 साल पहले की है, वहां से